दोस्तों, सीमेंट सैंड और स्टोन चिप्स के मिक्सचर में पानी मिलाएंगे तो कंक्रीट बनता है, ये बात सभी जानते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि इस मिक्स में जो पानी मिलाते हैं उसका क्वांटिटी कैसा होना चाहिए एज पर IS 456। और बात जब IS 456 की आती है तो वो अपने आप में इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्क्रीट के लिए जो पानी यूज करेंगे उसमें किसी भी तरह का ऑयल, सॉल्ट, एसिड, अल्कली, शुगर, ये सारे चीज नहीं होने चाहिए। ये चीज आपके कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए हानिकारक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी का पीएच 6 से कम और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कंक्रीट में जो पानी यूज कर रहे हैं उसमें सल्फेट 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लीटर पानी में 0.4 ग्राम से ज्यादा सल्फेट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली क्लोराइड कंटेंट 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक रिस्ट्रिक्टेड है फॉर PCC प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। यही वैल्यू RCC के लिए 500 मिलीग्राम पर लीटर है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और सिविल साइट नॉलेज के लिए नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दे।